वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब जो हमारे पास मेहमान आई है, छोटी सी मेहमान है लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुरीली मेहमान है जनाब। और आप इनको इंटरनेट पे नेस्कैफे बेसमेंट में सुन चुके हैं लेकिन आज हम जागो लाहौर पे इनसे लाइव म्यूजिक सुनने वाले हैं। वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा इनसे बात करके पता लग रहा है कि टॉकेटिव है लेकिन जब मैं इनसे बात करना शुरू करूंगी तभी मुझे अंदाजा होगा। आज हमें ज्वाइन किया जनाब सैयदा हादिया हाशमी ने जो कि बहुत ही प्यारी सिंगर है, उसके साथ साथ जनाब उनके उस्ताद भी हैं जाओ लक साहब, उन्हें भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप दोनों के आने का। हादिया कैसी हैं आप? अच्छा आपको पता है हादिया नीचे हमारे मेकअप रूम से बाल ब्लो ड्राई करा के आई है और आप हादिया को मैं कहती हूँ हादिया मैं आपसे जेलस हो गई हूँ, आपने इतने प्यारे बाल बनवा लिए हैं, आपको मजा आ रहा है बाल इतने अच्छे बने? जी। अच्छा हादिया तो ये बताओ कितने साल की हो और कौन सी क्लास में पढ़ी है? मैं 8वीं हूँ और 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ी है, तो सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? मैं तो पहले नाते पढ़ती थी लेकिन अभी पढ़ती हूँ। हाँ हाँ। तो फिर मैंने तब अपने पापा से कहा पापा मैं इसको और प्रॉपर सीखना चाहती हूँ। अच्छा। तो फिर पापा बहुत खुश हुआ, पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें कहा नहीं कि क्या सीखना है, ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने? नहीं पापा ने कहा था चलो मैं तुम्हें सिंगिंग भी सिखाऊंगा। अरे वाह ये तो। फिर पापा ने पापा ने कहा मैं तुम्हारे को टीचर ढूंढूंगा, फिर ऐसे सर से मिल गए बस ठीक है। फिर उन्होंने हमें सिंगिंग सिखाई, तो कितना टाइम हो गया सिंगिंग सीखते हुए? 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर और 6 मंथ। और मुझे ये बताओ कि कैसा लगता है गाना गाकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है? तो अभी जो रिसेंटली नेस्कैफे में गाना गाया वो कैसा था? वो बहुत ज्यादा अच्छा। और उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की? बहुत बहुत बहुत। कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। तो कुछ गलती हो जाती थी कभी कभी? कभी कभी हो जाती थी, तो फिर सही हो जाता था। और अब जब सब लोग पहचानते हैं और प्यार करते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा हादिया सर आपके टीचर से भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, कैसे हैं आप सर, खैरियत से? जैसा सब हमें बताएं कि हादिया को ट्रेनिंग दिया आपने सिंगिंग की प्रॉपरली, चूंकि कहा कि पहले नाते वगैरह तो पढ़ती थी, तो बच्चे को सिखाना थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है, किस तरह से, कितना ये पावर पैक बच्चा है? हम हादिया को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो हादिया में पैशन जो मुझे नजर आया तो मुझे लगा कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। अच्छा। और अगर इसके ऊपर प्रॉपर मेहनत की जाए तो ये पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और एक टारगेट सेट कर लिया था कि हमने नेस्कैफे बेसमेंट को अचीव करना है। लवली लवली। और वो उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, एक साल, अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया हादिया को सीखते हुए, और बहुत मतलब हार्डवर्क किया है, और जिसमें हादिया ने भी बहुत इसमें मतलब इतना पैशन है कि जितनी देर आप इसको प्रैक्टिस करवाएं ये कभी थकेगी नहीं। अच्छा। और हर चीज को बड़ा पॉजिटिवली लेके ये मतलब करती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो हादिया जब स्कूल जाती हो तो फ्रेंड्स कहती हैं कि ओहो हादिया तो अब फेमस हो गई है, ऐसा होता है? जी वो कहते तुम अपने गले से आवाज कैसे निकालती हो, मैं बताओ। गले से आवाज कैसे निकालती हो, तो बताया करो ना कि मेरी आवाज अल्लाह मियां ने मुझे इतनी अच्छी कहती हो। फिर मजा आ रहा है मुझे जब सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि हादिया को सब लोग जानते हैं। नहीं शर्मा भी है। अच्छा हादिया अब हमें आज सुनाएंगी नेस्कैफे वाला गाना? जी। चले हादिया को हम उनके टीचर के पास भेजते हैं, फिर हादिया से साथ साथ बातें भी करेंगे और हादिया से मिला देंगे। माइक आप अपने करीब कर ले। चले ओके हादिया। सर इजाजत है।
जबरदस्त, वेरी नाइस। और जनाब हादिया, मैं आपको इतनी देर से ऐसे बैठ के सुन रही थी और मैं वाकई सोच रही थी कि आपकी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कहती हैं कि आप आवाज कहाँ से निकालती हैं इतनी जबरदस्त किस्म की। और मैं बिल्कुल, जो बच्चे इस बच्ची को देखे वो सबसे पहले माशाल्लाह जरूर बोले, ऐसी नजर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा हादिया, इस गाने के लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की? बहुत ज्यादा की। बहुत ज्यादा की? और इतने लंबे लंबे स्वर लगाना मुश्किल है? नहीं, मेरे सर ने मुझे सिखाया तो इजी लगा। इजी लगा था? अरे वाह, जबरदस्त आप, ये तो बड़े मजे की बात है कि आपको इजी लग रहा है। अच्छा आदि, समटाइम्स कभी कभी आपका गला कुछ अपसेट होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए ट्रेनिंग रियाज में कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी होती हैं, वो आपने डेफिनेटली सीखी होंगी अपने। जी। तो किस तरह से उसको मैनेज करती हो? अब मुझे बच्ची से, मैं इतनी टेक्निकल बात करी मुझे समझ नहीं आ रही, बड़े बड़े सिंगर हो तो बंदा पूछ भी लेता है, आपकी टीचर से जानती हूँ। बच्चे का गला चूंकि उसके वोकल्स बहुत वो श्रिल भी होते हैं, समटाइम्स उनको प्रॉपरली पॉलिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। मतलब होता ही है कि हादिया पे जो मतलब प्रैक्टिस हुई है, वैसे कि हाई नोट्स पे भी उतनी हुई है जितनी लो नोट्स पे। तो इसको पता है कि हाई और लो में किस तरह मतलब मेंटेन रखना है अपनी वॉइस को। फिर सबसे बड़ी बात है कि रिदम टेम्पो को फॉलो करना, साथ साथ गाते, फिर सुर को भी देखना। और ये माशाल्लाह इतनी ज़हीन है। और एक्सप्रेशंस भी देना। जी। और बोल हू पे इसको काफी मेहनत करनी पड़ी है। एक्चुअली जो जुल्फी भाई ने जो मतलब प्लान सेट किया था बोल हू का, तो हादिया का ये पोर्शन उन्होंने डिजाइन किया, तो बड़ा मुश्किल था ये क्योंकि बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। और वो जुल्फी भाई ने गाइड ऐसा किया हमें कि हमने उसको बड़ा अच्छा चीज किया। जबरदस्त जबरदस्त। तो हादिया पानी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है पानी चाहिए। अच्छा हादिया, अब आगे क्या प्लान है? साथ साथ पढ़ तो आप रही हैं, फिफ्थ क्लास की आप स्टूडेंट है, आगे कितने कितने गाने हमें जल्दी जल्दी सुनने को मिलेंगे हादिया के? इसमें काम कर रही हो किसी सॉन्ग पे? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। बहन भाई और कितने हैं? मेरा एक भाई है, पांच बहनें। पांच बहनें? तो आप सबसे छोटी हैं? बहनों में सबसे छोटी हैं। तो कोई और बहन सिंगिंग करती है? नहीं। बहन भाई खुश होते होंगे? आपने ट्रीट दी थी उनका जब गाना हिट हुआ था? जी। क्या खिलाया था? केक। अरे वाह, मतलब मैं तो सारी बातें हादिया हमें बता रही है। अच्छा अब आप हमें क्या सुनाएंगी? जिंदगी तमाशा बनी जरूर। हम आज से एक और सॉन्ग सुनते हैं जनाब। तमाशा बने दुनिया दहासा बने, कितनी न प्यार मिले।
वेरी नाइस हादिया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त आप सुर लगाती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तो आप सिंगिंग कर रही हैं, लेकिन इसके बाद फर्दर क्या बनने का प्लान है, बड़े होकर क्या करना है? मैंने डॉक्टर भी बनना है लेकिन साथ सिंगर भी बनना है। हादिया, मैं आपसे और आपके टीचर से जानना चाहूँगी नेस्कैफे बेसमेंट के लिए ऑडिशन देने के लिए जब आप गई तो डर लग रहा था? नहीं लग रहा था, पूरा कॉन्फिडेंस था। तो वहाँ पे जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने क्या कहा था आपको जजेस ने? उन्हें बहुत तारीफ की रही। बहुत तारीफ की। जुल्फी भाई का बताया ना, जब जुल्फी भाई, एक्चुअली जुल्फी भाई हमारी एकेडमी आए थे ऑडिशन के लिए। ठीक है, तो जो हमारी मेरी म्यूजिक एकेडमी है वहाँ पे सब बच्चों के ऑडिशन होने थे, तो जो हमने मैंने ऑडिशन स्टार्ट किया था वो एक 6 साल की बच्ची थी जिससे ऑडिशन स्टार्ट हुआ था, और एंड हादिया पे लास्ट ऑडिशन हादिया का था। जी, तो जुल्फी भाई ने जब इसको सुना, जो गाना हादिया ने सुनाया उन्हें, तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग पड़े थे। तो उसी दिन मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पूरी दुनिया को सुनाना, और उन्होंने सुनाया बेहतरीन। और इतनी छोटी एज में इस तरह की अचीवमेंट होना बड़ी बात होती है, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बच्चा पहचाना जाए, और उस एज में जब कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपकी एकेडमी में आप कितने और बच्चों को, किस एज ग्रुप के बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं? मेरे पास जो है वो 5 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, और फिर बड़े 30 ईयर्स तक भी आ रहे हैं। अच्छा, और इससे भी ज़्यादा बड़े आ रहे हैं। और जो इस साल नेस्कैफे बेसमेंट में मेरे टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। वाओ, और फर्स्ट एपिसोड हादिया का था, और बाकी बच्चों का भी आ रहा है। और ये अब आपको वो सॉन्ग सुनाएगी जो इसने जुल्फी भाई को ऑडिशन पे सुनाया। चलो फिर हादिया से वो वाला गाना सुनते हैं जिसके बाद हादिया मशहूर हो गई। सॉन्ग है तस्वीर बना के मैं जरूर सर सजाद अली का।
ویری نائس ہادیا, یہ گانا آپ نے آڈیشن میں گایا تھا؟ ارے واہ, بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پسندیدہ سنگر ہوتے ہیں. اب یہ تو سجاد علی صاحب کا گانا تھا, آپ کو کون سے سنگر پسند ہے؟ میڈم نور جہاں. میڈم نور جہاں کے گانے سنتی ہیں؟ جی. ارے واہ, تو ابھی کچھ ان کا آپ نے گانا سیکھا بھی ہے, کبھی گایا بھی ہے؟ نہیں, ابھی تو ان کا گانا یاد کرنا ہے. یاد کرنا ہے. اچھا, اکثر گانے تو پنجابی کے ہوتے ہیں, آپ کیسے یاد کرتی ہیں؟ مشکل نہیں ہوتی ہے پنجابی؟ ہوتی ہے تھوڑی, ہوتی ہے نا. گھر پہ تو اردو بولتے ہیں, اسکول میں بھی اردو بولتے ہیں, تو پنجابی کے گانے تھوڑے مشکل لگتے ہوں گے. تو پنجابی ورڈنگ تلفظ اس پہ بھی کام کر رہا ہے؟ جی جی, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور ہادیہ کو پرابلم ہوتی ہے تھوڑا پنجابی بولنے میں, تھوڑا رے اور ڈے کا بھی مسئلہ ہے. یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے لاہوریوں, رے اور ڈے کا. وہ بھی ایسا ایسا ٹھیک ہو رہا ہے, اور ایکسپریشنز پہ بھی اس کے مطلب کام ہوتا ہے. ایکسپریشنز اس کے ابھی بھی بہت اچھے ہیں. جیسے بولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ایکسپریشنز اکارڈنگ ٹو نوٹ, ایک ایک جیسے جیسے سر آ رہا ہے ویسے ویسے اس کی فیل کے ساتھ وہ ایکسپریشنز آ رہے ہیں, اور یہ چیز یہ سیکھ رہی ہے. بالکل بالکل زبردست. تو ہادیہ آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے, میں آپ کو شکریہ تو کروں گی کہ میں آپ سے ابھی ایک ضرور گانا اور سنوں گی. تھینک یو ویری مچ. آپ بہت زبردست جو کہہ لیں سنگر ہیں, نام روشن کریں اپنا بھی, گھر والوں کا بھی, اور اپنا صدقہ بھی ضرور دیجیے گا, اپنی نظر بھی ضرور اتاریے گا. اچھا جناب, ہادیہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز, اور بہت کم لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی خوبصورت آواز ملے. اور ہادیہ سے ہم نے آج کی آپ کی ملاقات کروائی, اور امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور ہادیہ کا شو یا اس سیگمنٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے جاگو لاہور کا, وہاں پر بھی اویلیبل ہوگا. آپ سے ہم ملاقات کریں گے کل. ہماری طرف سے اللہ حافظ. لیکن ابھی ہم ہادیہ سے کچھ ضرور سنیں. ہادیہ بتا دو, میں آپ کو راگ پوری ہے ناصری سنوں گی. ضرور ضرور. سا Ah.